आज मैं जो डिज़ाइन बता रही हूँ उस डिज़ाइन को आप टेबल क्लॉथ में, डोर मैट में, थाल पोश में, पूजा के आसन पे आप इसको डाल सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से चेन को यहाँ पे मैंने लॉक कर दिए और उसके बाद यहाँ से चेन बनाना है। 5 चेन, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 चेन बना के क्या करना है, स्लिप स्टिच से पहले वाले यहाँ पे यहाँ से लेना है और इसको इस तरह से जोड़ लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 3 चेन लेना है, 1, 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो होल है इसके अंदर में यहाँ से डबल कुशिया बनाना है। तो इस तरह से ऐसे बनाना है, तो इस तरह से ये 2 डबल कुशिया हो गया। तो इसी तरह से जो इसके अंदर में डबल कुशिया बनेगा वो 15 बार बनाना है इस तरह से। इस तरह से 15 बार डबल कुशिया इस होल के अंदर में बनाना है। तो 15 बार मैं डबल कुशिया पहले बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 15 डबल कुशिया बना चुकी हूँ। अब ये जो चेन बनाई थी तो यहाँ पे तीसरे वाले चेन में क्या करना है, इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐसे इसको जोड़ लेना है। इस तरह से जोड़ लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, ये इस चेन के अंदर में आना है, ये वाले चेन के अंदर में आना है, ऐसे स्लिप स्टिच से ही आना है। और यहाँ पे पहले 3 चेन बनाना है, 1, 2 और ये 3। तो ये 1 डबल कुशिया हो गया, 3 चेन। अब इसी चेन के अंदर में एक और डबल कुशिया बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से 2 डबल कुशिया हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक चेन लेना है और अगले वाले चेन में डबल कुशिया बनाना है 4 बार। इसमें 4 बार डबल कुशिया बनाना है। ये 3 और ये 4, ऐसे 4 बार डबल कुशिया बना लिए। फिर एक चेन लेना है और उसके बाद क्या करना है, ये अगले वाले चेन में 2 बार डबल कुशिया बनाना है इस तरह से। इसके अंदर में 2 बार डबल कुशिया बनाना है। अब यहाँ से 2 चेन लेना है इसके बाद, और फिर से ये सेम चीज़ जो बनाए हैं यहाँ से यहाँ तक उसको बनाना है, लेकिन यहाँ पे 2 चेन को छोड़ के बनाना है। तीसरे चेन से स्टार्ट करना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है और इस वाले में 2 डबल कुशिया बनाना है। फिर एक चेन लेना है, फिर अगले वाले में 4 डबल कुशिया बनाना है। इस तरह से ये 4 बार बन गया। और फिर से एक चेन लेंगे और अगले वाले चेन पे 2 डबल कुशिया बनाना है। इस वाले चेन पे 2 डबल कुशिया बनाना है ऐसे। और उसके बाद क्या करना, सेम चीज़ जैसे यहाँ पे किए हुए हैं, 2 चेन लेके फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। 2 चेन लिए, 2 चेन को यहाँ छोड़ना और इस वाले में बनाना है 2 डबल कुशिया, फिर 4 डबल कुशिया, फिर 2 डबल कुशिया, एक एक चेन लेते हुए बनाना है। जैसे जैसे इधर बताए हैं, ये जैसे बना है ये बना है, उसी तरह से यहाँ पर बनेगा। और फिर 2 चेन लेके और 2 चेन का गैप यहाँ पे करके जोड़ देना है। यहाँ पे 2 चेन लेना है और इसको यहाँ पे 2 चेन है छोड़ देना है, और इसको यहाँ पे 3 चेन जो बनाए हुए थे तो तीसरे वाले चेन में यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे जो ये है ये चीज़ तो सेम बनेगा। जैसे इसके अंदर में पहले आएंगे, इस वाले के अंदर में स्लिप स्टिच से आएंगे और यहाँ पे सेम चीज़ बनाएंगे, 2 डबल कुशिया इसी के अंदर में, और फिर एक चेन लेंगे। यहाँ पर एक चेन लेने के बाद 2 डबल कुशिया बना लिए, एक चेन ले लिए। अब इस यहाँ पर जो ये 4 डबल कुशिया बना हुआ था तो 2 इधर और 2 इधर, इसके बीच में क्या बनाना है, बीच में 4 डबल कुशिया यहाँ बीच से बनाना है 4 डबल कुशिया यहाँ पर, 1
चार, फिर से एक चेन लेना है और ये जो दो डबल कुशिया बना हुआ है यहाँ पर, एक लास्ट में यहाँ पे, इसमें दो डबल कुशिया इसके अंदर में बनाना है। अब इसके बाद यहाँ से दो चेन लेना है, एक और ये दो चेन, और दो चेन लेके ये जो गैप बना हुआ है इसमें क्या करना है, एक डबल कुशिया बनाना है इसके अंदर में। एक डबल कुशिया बनाए, अब फिर से दो चेन लेना है, एक और ये दो, और दो चेन लेके फिर से ये जो बना हुआ है जैसे यहाँ बताएं वैसे बनाना है। दो डबल कुशिया के ऊपर में दो डबल कुशिया बनेगा, और फिर एक चेन लेना है, और ये जो चार डबल कुशिया है, चार डबल कुशिया में दो डबल कुशिया इधर और दो डबल कुशिया इधर के बीच में चार डबल कुशिया बनाना है, और फिर एक चेन लेना है। चार डबल कुशिया बना लिए, एक चेन लेंगे और ये जो दो डबल कुशिया है यहाँ पे लास्ट में उसके ऊपर में दो डबल कुशिया बनाना है। यहाँ से जो यहाँ तक जो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक जो प्रोसेस किए उसको ही रिपीट करना है, यहाँ से यहाँ तक को रिपीट करना है इधर, और फिर यहाँ पे दो चेन लेके जोड़ देना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं दो चेन लेके यहाँ पे जोड़ दिया। अब इस फिर से इसके अंदर आना है, इस वाले दो डबल कुशिया के अंदर आना है, ऐसे स्लिप स्टिच से आना है और फिर सेम प्रोसेस करना है। दो डबल कुशिया के ऊपर में दो डबल कुशिया बनाना है, पहले तीन चेन लेना है फिर इसके अंदर में एक बार और डबल कुशिया बनाना है। इसके बाद फिर से एक चेन लेना है और यहाँ पे जो चार डबल कुशिया बना हुआ है इसके बीच वाले में दो इधर छोड़ के बीच में बनाना है चार डबल कुशिया, और फिर एक चेन लेना है और दो डबल कुशिया है उसके ऊपर में दो डबल कुशिया बनाना है। अब यहाँ से क्या करना है, ये चीज़ तो सेम जा रहा है, ये दो डबल कुशिया, चार डबल कुशिया, दो डबल कुशिया। अब इसके बाद यहाँ से फिर दो चेन लेंगे, एक और ये दो, और दो चेन लेने के बाद यहाँ पर जो ये जो दो गैप है इसमें क्या करना है, यहाँ पे पहले दो चेन ले लिए, अब इसमें इस जगह पे दो डबल कुशिया बनाना है। दो डबल कुशिया बना लिए और ये जो एक डबल कुशिया है इसके ऊपर भी एक डबल कुशिया बनेगा, और फिर इस साइड भी दो डबल कुशिया यहाँ पे बनाना है। ऐसे अब इसके बाद फिर से क्या करना है, दो चेन लेना है और दो चेन लेके यहाँ जो दो डबल कुशिया बना हुआ है इसमें सेम बनेगा, अब ये दो डबल कुशिया और एक चेन और फिर चार डबल कुशिया, फिर एक चेन, फिर दो डबल कुशिया। इस तरह से एक चेन लेना है और ये जो चार डबल कुशिया है इसके बीच में चार डबल कुशिया बनेगा, और फिर एक चेन लेके दो डबल कुशिया। अब यहाँ के बाद फिर दो चेन लेना है और दो डबल कुशिया, फिर बीच में एक डबल कुशिया, फिर दो डबल कुशिया, जैसे पहले यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ जो इस तरह से बनाए हैं बताए हैं ये, इसी को आगे रिपीट करते हुए यहाँ तक आके जोड़ना है। अब इसके बाद यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या करना है, फिर से इसके अंदर आना है और सेम प्रोसेस करना है। यहाँ से यहाँ तक तो सेम चलेगा, इसमें जैसे यहाँ पे बता रखे हैं वैसे ही चलेगा। तीन चेन लेना है, एक दो तीन जोड़ने के बाद, और फिर इसके अंदर में एक बार डबल कुशिया, फिर एक चेन लेना है और ये चार डबल कुशिया के अंदर में दो के बीच में इस तरह से चार डबल कुशिया, दो डबल कुशिया यहाँ पे जो है उसको बनाना है। अब यहाँ से दो चेन लेना है, ये जब बन जाए इसके बाद दो चेन लेना है और ये जो गैप है इसमें दो डबल कुशिया बनाना है। इस चेन में यहाँ पे दो डबल कुशिया बनाने के बाद यहाँ पर जितना डबल कुशिया बना हुआ सबके ऊपर एक एक डबल कुशिया बनाना है, जितना डबल कुशिया बना हुआ है उसके ऊपर में डबल कुशिया बनाते जाना है। और फिर लास्ट में यहाँ पे दो डबल कुशिया बना लेना है।
इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से दो चेन लेना है और ये जो सेम बन रहा है, बनता आ रहा है, इसको वैसे ही बना लेना है। दो चेन लेने के बाद दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेना है और चार डबल क्रोशिया के अंदर में चार डबल क्रोशिया बनाना है और फिर एक चेन लेना है और ये जो दो डबल क्रोशिया बना हुआ है उसमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ के बाद फिर से दो चेन लेना है और दो चेन लेके ये जो गैप है इसमें दो डबल क्रोशिया और इस गैप में दो डबल क्रोशिया, ऊपर में बाकी के सारे के ऊपर में एक एक डबल, सबके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बना लेना है दो चेन के ऊपर, जैसे इस जगह पे बताए हैं यहाँ पे वैसे ही इस जगह पे बनेगा दो डबल क्रोशिया। ये यहाँ से यहाँ सेम रहेगा, फिर यहाँ पे है दोनों गैप में डबल क्रोशिया बढ़ेगा और ये चीज़ सेम रहेगा। तो इस तरह का कॉर्नर जो है तीन बनाए हुए हैं, एक दो और ये तीन, तीन कॉर्नर बना हुआ है। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो रहा है। अब इसको ये चीज़ जो है बढ़ता जाएगा और ये तो सेम चलेगा, ये जो है तीन कोना ये सेम चलेगा और इस जगह पे बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा और यहाँ पे बढ़ेगा। जितना बड़ा आप इसको बढ़ाते जाएंगे, जितना राउंड बनाएंगे ये चीज़ बढ़ता जाएगा क्योंकि दोनों साइड से दो दो बनता जा रहा है। तो ये ऐसे बढ़ जाएगा। इसके बाद तो मैं एक दो राउंड और बना के फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो इस तरह से मैं एक राउंड यहाँ पे और बनाती हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ तो सेम बनेगा सेम प्रोसेस से यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मैं बना लेती हूँ फिर आगे यहाँ पे क्या करना है वो बताती हूँ। अब यहाँ से क्या करना है, दो चेन लेना है और इसके बाद यहाँ पे इसमें क्या करना है, इस जगह पे दो डबल क्रोशिया बनाना है और ये जो टोटल जितना है उसमें आधा में बनाना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये 11 होता है। तो क्या करना है, पाँच यहाँ से लेना है, एक दो तीन चार पाँच और एक दो तीन चार पाँच, बीच में ये एक बच जाएगा। तो पाँच तक इसमें बनाना है डबल क्रोशिया इस तरह से, एक दो तीन चार और ये पाँच। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, दो चेन लेना है इस तरह से और फिर यहाँ से अगले वाले में से स्टार्ट करना है, यहाँ से पाँच बनाने के बाद और फिर पाँच, एक बन गया दो तीन चार और ये पाँच। तो इस तरह से बन गया पाँच इधर और पाँच इधर। अब यहाँ पे जो लास्ट में ये जो है यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाना है इस जगह पे, और फिर चेन लेना है दो और फिर ये जो सेम है ये सेम बनेगा जैसे बना हुआ है, दो डबल क्रोशिया के ऊपर में दो डबल क्रोशिया और इस, तो हर बार सेम बनेगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर दो चेन लेना है और जैसे इस जगह पे बताए हैं वैसे ही इधर बनेगा। इस तरह से पूरा राउंड को सेम प्रोसेस से रिपीट करना है, इसी तरीके से रिपीट करना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं पूरा इसको राउंड को कंप्लीट कर लूँ। अब यहाँ पे इस जगह पे काम अलग से शुरू होगा, यहाँ पे अब इस तरह से बनता जाएगा। तो एक राउंड और बता देती हूँ, ये चीज़ तो सेम बनेगा ऐसे ही जैसे बना हुआ है, तो इसको मैं बना लेती हूँ। सेम तरीके से मैं बना ली इसको। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दो चेन लेना है और यहाँ पे इस जगह पे तो वैसे ही बढ़ेगा यहाँ पे,
दो और फिर इसके बाद यहाँ पर इन सब के अंदर में डबल कुशिया बनाना है। वो डबल कुशिया यहाँ तक बनेगा, इस होल के पहले तक बनाना है। यहाँ तक बना लिए, इस जगह पे इसके ये जो बना रखे हैं दो चेन का गैप, यहाँ से पहले तक बना लिए। अब यहाँ पे दो चेन लेना है, दो चेन लेना है। अब इसके अंदर में डबल कुशिया बनाना है, एक ही बार बनाना है और फिर से दो चेन लेना है। और फिर इसके बाद ये जो बन रहा है इसको डबल कुशिया को बना लेना है। और लास्ट में यहाँ पे दो डबल कुशिया बनेगा इस गैप में। और दो चेन लेके ये जो बना हुआ है इसको सेम बना लेना है यहाँ से यहाँ। और इसी तरह से बनाना है जैसे इसमें बता रखे हैं, वैसे यहाँ पे भी वैसे ही बनाना है और इस जगह पे भी वैसे ही बनाना है। और ये चीज़ सेम चलेगा, ये तीनों ये सेम चलेगा। और यहाँ पर इसी तरह से अब अगले बार जब बनाएंगे तो यहाँ तक बनेगा, फिर दो चेन लेने के बाद इसके अंदर बनेगा, फिर दो चेन लेंगे इसके अंदर बनेगा, फिर दो चेन लेंगे यहाँ पे बनेगा। ये जो होल है अब बीच में ये इस तरह से होल ये चीज़ बढ़ता जाएगा। जैसे अभी एक बार बना, दो बार बना, तीन बार, चार बार, पाँच बार, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और ऐसे ही आप जितना बड़ा बनाना चाहें इसी प्रोसेस से बना लेंगे।